नमस्कार दोस्तों, अगर आपका कोई बदमाश पड़ोसी बार बार बदमाशी करे, जबरन आपके घर में घुसकर परिवार के लोगों से मारपीट करे, तो आप क्या करेंगे? उसका डटकर मुकाबला करेंगे या फिर उसके साथ धंधा करेंगे? आप समझदार हैं, स्वाभिमानी हैं, गैरत वाले हैं, आपका जमीर जिंदा है, तो आपका जवाब मुझे पता है। आप ही नहीं, कोई भी सामान्य स्वाभिमानी इंसान वैसे शैतान पड़ोसी का डट कर मुकाबला ही करेगा। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की बात निराली है। माननीय मोदी जी उस शैतान पड़ोसी मतलब चीन से धंधा कर रहे हैं। एक तरफ चीन हमारे क्षेत्र में घुसकर हुड़दंग मचा रहा है, हमारे जवानों को मार पीट रहा है, हमारे एरिया में अपने मिलिट्री कैंप बना रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी चीन के साथ धंधा बढ़ाने में लगे हैं। और आप ऐसा कतई मत सोचिएगा कि मोदी जी चीन से कोई फ़ायदा का सौदा कर रहे हैं। चीन के साथ मोदी सरकार जो बिजनेस कर रही है, उसमें देश को शुद्ध रूप से नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। किसी को अलग से व्यक्तिगत तौर पर फ़ायदा हो रहा हो तो वो अलग बात है, देश को तो निश्चित रूप से घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन से भारत का इम्पोर्ट जितनी तेज़ी से बढ़ा है, उसके मुकाबले भारत से चीन को किए जाने वाले एक्सपोर्ट में वृद्धि की रफ्तार काफ़ी कम है। यही वजह है कि मौजूदा वित्त वर्ष के शुरुआती 7 महीनों यानी अप्रैल से अक्टूबर 2022 के दौरान चीन के साथ कारोबार में भारत को होने वाला व्यापार घाटा 51.50 अरब डॉलर पर जा पहुंचा है। इससे पहले मार्च 2022 में खत्म पूरे वित्त वर्ष के दौरान चीन से कारोबार में भारत का व्यापार घाटा 73.31 अरब डॉलर था। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत का ये व्यापार घाटा और बढ़ सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर हम चीन के मुकाबले लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बस एक नारा बनकर रह गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मंचों से अपने इस जुमले को बुना रहे हैं, लेकिन इसकी बड़ी कीमत देश को चुकाना पड़ रहा है। इस पूरे मसले का सबसे दुखद पहलू ये है कि जो चीन हमारी सीमा में घुसकर हमें धमका रहा है, उसके साथ मोदी सरकार बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में लगी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2022 में खत्म 12 महीनों के दौरान चीन और भारत के बीच कुल मर्चेंडाइज ट्रेड 34% बढ़कर 115.83 अरब अमेरिकी डॉलर पर जा पहुंचा था। इतना ही नहीं, उसके बाद भी 7 महीने यानी अप्रैल से अक्टूबर 2022 के दौरान भी चीन और भारत के बीच 69.04 करोड़ अमेरिकी डॉलर का मर्चेंडाइज ट्रेड हो चुका है। चीन के साथ ये जो अरबों का कारोबार हुआ है या फिर हो रहा है, इसमें शुद्ध मुनाफा चीन को हो रहा है। चीन हमसे जितना सामान खरीदता है, उससे करीब 6.5 गुना सामान हमें बेचता है, जिसकी वजह से हमारा व्यापार लगातार घाटा हो रहा है और उस घाटा बढ़ता जा रहा है। अब लौटते हैं मूल मुद्दे पर। आखिर मोदी सरकार चीन जैसे नापाक इरादे रखने वाले पड़ोसी देश के साथ बिजनेस बढ़ाने में क्यों लगी है, वो भी लगातार नुकसान सहकर? क्या उसे एहसास नहीं है कि चीन हमारे पैसे से ही हथियार बनाकर हम ही पर हमला कर रहा है?